आइए हम करते हैं अपने इस कवरेज की शुरुआत और हम आपको ये बता दें कि तीन चुनावी राज्यों में चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सीएसडीएस का ये फाइनल ओपिनियन पोल है, इसीलिए इस ओपिनियन पोल के खास मायने हैं, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना रही है, अपने दम पर चौथी बार सत्ता में आती दिखाई दे रही है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस बना रही है पूर्ण बहुमत से सरकार, लेकिन टिकट वितरण से पहले की यह स्थिति है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इन समीकरणों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस पर हम करेंगे बात। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं, मैं आपको बता दूं हमारे साथ दो राजनीतिक पार्टियों के दो दिग्गज मेहमान सीधे आमने सामने आज होने वाले हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा यहां स्टूडियो में राजस्थान एक्सपर्ट अजय सेतिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक राजकिशोर जी हमारे साथ होंगे। इतना ही नहीं, आपको हमने वोट प्रतिशत दिखाया, उसे सीटों में किस तरह से हमने कन्वर्ट किया हमने वो दिखाया, इसीलिए दो और खास मेहमान हमारे साथ डेटा सेंटर से जुड़ रहे हैं जो चित्रा के साथ मौजूद हैं, देश के सबसे बड़े गणित संस्थान चेन्नई गणितीय संस्थान के निदेशक राजीव करंदीकर जी हमारे साथ हैं, जो लगातार प्रतिशत को सीटों में बदलने में महारत रखते हैं, सटीक आंकड़ा बताते हैं, और संजय कुमार सीएसडीएस से निदेशक हमारे साथ हैं। इन सबके साथ हम आज की इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, इन तीन चुनावी राज्यों पर हमारी ये खास कवरेज। सबसे पहले आइए बिग पिक्चर के लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज की तारीख में चुनाव होने पर जनता का मूड क्या कह रहा है, बड़ी पिक्चर जानने के लिए आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं चित्रा के पास। बिल्कुल नेहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बताना कि इन तीनों ही राज्यों की बिग पिक्चर बड़ी बातें आखिर क्या है, किस तरह से बीजेपी दो राज्यों में एक बार फिर से वापसी करने जा रही है, वो भी 15 सालों के शासन के बावजूद। वहीं कांग्रेस पार्टी राजस्थान से वसुंधरा सरकार को हटाने जा रही है और इसलिए चिंता की बात राजस्थान से बीजेपी के लिए। लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, देखिए कुल 230 सीटें हैं यहां पर और बीजेपी को 116 सीटें, जो बहुमत का पूरा आंकड़ा है 116 का, उसको छूती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 105 सीटें हासिल कर रही है और अन्य के खाते में 9 सीटें। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से आपको बता दें बीजेपी को 116 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 105 सीटें, अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई, यानी कि बहुमत के आंकड़े को छू रही है बीजेपी। चौथी बार भी बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई, शिवराज सिंह चौहान सरकार एक बार फिर से वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है और यह अपने आप में बड़ी खबर है बीजेपी के लिए, अच्छी खबर है मध्य प्रदेश से। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या कहता है वो भी आपके सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कौन पार्टी आगे कौन पार्टी पीछे, यहां देखिए बीजेपी 56 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 25 सीटों पर, यानी कि 2013 में जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया था उस प्रदर्शन को भी दोहरा पाने में नाकाम साबित हो रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 56 सीटें यानी कि बंपर तरीके से बीजेपी यहां पर जीतती हुई। आपको बता दें 2013 में 49 सीटें बीजेपी को मिली थी, 39 कांग्रेस पार्टी को मिली थी और यहां पर अगर इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है तो उसके पीछे एक नाम जो इस वक्त आपके सामने है, जोगी प्लस अजीत जोगी, कांग्रेस पार्टी को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए और यही कारण है कि 2013 का प्रदर्शन भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी दोहरा नहीं पा रही और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। और अब आ जाते हैं तीसरे बड़े राज्य में, 200 सीटें हैं राजस्थान में और यहां पर देखिए यहां का आंकड़ा क्या कहता है, राजस्थान में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था 2013 में बीजेपी ने, लेकिन इस बार तस्वीर क्या होगी, 200 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस, देखिए बीजेपी को 84 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाती हुई 110 सीटों के साथ, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई, अन्य कुछ बड़ा नहीं कर पाते हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कांग्रेस का 2013 का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, राजस्थान में बेहद खराब प्रदर्शन करते हुए कम सीटें उसकी आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाते हुए राजस्थान में, जबकि बीजेपी 84 सीटों पर सिमटती हुई नेहा दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं हमारे इस ओपिनियन पोल के जरिए, दो राज्यों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाती हुई, 15 सालों के एंटी इनकम्बेंसी पर भी कांग्रेस पार्टी हावी नहीं हो रही है, जबकि 5 सालों से शासन में वसुंधरा राजे सरकार है उसको बाहर करके कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। नेहा बिल्कुल बहुत दिलचस्प आंकड़ा ये है, 2-1 ये अभी तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे खास फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सीधे अपने राजनीतिक मेहमानों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी,
2-1 की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां मध्य प्रदेश में हमारा सर्वे कह रहा है कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा 116 उससे बीजेपी टच कर रही है, ठीक 116। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले रिकॉर्ड को आप इंप्रूव कर रहे हैं, 56 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन राजस्थान प्रेम शुक्ला जी हाथ से जा रहा है, वहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। नेहा जी, जब आपने सियासत का सेंसेक्स, हमने 2 सप्ताह पहले स्थिति ये थी कि एबीपी न्यूज पर जो सियासत का सेंसेक्स में सर्वेक्षण था 0-3 से भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही थी। अभी जो है नामांकन का पहला दौर प्रारंभ हुआ और भारतीय जनता पार्टी 2-1 से आगे, और आप जब मतगणना के दिन बैठेंगी तो मतगणना के दिन पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी 3-0 से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त प्राप्त होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ने हमारे मुख्यमंत्रियों का जो प्रदर्शन, हमारे कार्यकर्ताओं की जो परिश्रम की पराकाष्ठा है, पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे जिस तरह से चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से राज्य के विकास में अपने को समर्पित करते हैं, उसके कारण देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जो आंकड़ा आप लोगों के फेवर में है, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसे आप मान रहे हैं, लेकिन राजस्थान जो आंकड़ा आपके फेवर में नहीं आ रहा उसे आप नकार रहे हैं, यही समझू ना मैं? नहीं, मैं तो आपकी सारी बातें मान रहा हूं नेहा जी, मैं सिर्फ इतना आपको स्मरण दिला रहा हूं कि जब ये शुरुआत हुआ था सियासत के सेंसेक्स का तब 0-3 पे थे, तब भी हम कह रहे थे कि हम 3-0 आएंगे, हम 2-1 दिखाई दे रहे हैं, 3-0 पर पहुंचने की हमारा जो है संकल्पबद्धता है। ठीक है, देखिए सियासत का सेंसेक्स हर दिन ऊपर नीचे होता है, और ये जो हमारा बड़ा आंकड़ा आ रहा है ये वो आंकड़ा है जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक है, और अब इसके बाद सीधे जनता का आंकड़ा आएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फाइनल ओपिनियन पोल है, इसके मायने बहुत है। राजीव त्यागी जी, ये खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए, ये देखते हुए कि मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सत्ता, लेकिन आप उसे कम से कम जो इस सर्वे है उसमें उखाड़ फेंकते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 130+ रहेगी, बहुत स्पष्ट मैं आपको इसका आंकड़ा देके जा रहा हूं, और 11 दिसंबर को फिर उस पर विषय में बात कर लेंगे। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने स्वीप किया है कर्नाटक के बाई इलेक्शंस में, तो बहुत परिलक्षित करते हैं कि जनता का मूड क्या है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से अपराध से लेकर के किसान के वार से लेकर नौजवान की बेरोजगारी से लेकर उद्योग धंधों की तालेबंदी से लेकर के अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। राजस्थान में आप हमें जीतता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आप सीटें हमारी कम दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कम से कम 130 से 140 सीट मिलेगी। रही बात छत्तीसगढ़ की, देखिए 2-1 जो अभी हो रहा है राजस्थान में, जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन ये जरा देख लेते हैं कि एक फैक्टर, वो फैक्टर कौन सा है जिसकी आप भी चर्चा करते हैं राजीव त्यागी जी, और बीजेपी को भी जब मौका मिलता है बीजेपी चर्चा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी मैदान में आना, जो आमतौर पर आखिर के दिनों में होता है चुनाव के, और तब आकर कारपेट बॉम्बिंग करना, क्या उसका किसी तरह का भी असर इन 3 राज्यों पर पड़ने वाला है, ये जानने के लिए कुछ अहम जानकारी जो सीधे CSGS के सर्वे के माध्यम से जनता के बीच से हमारे सामने आई है, हम सीधे रुख करेंगे डेटा सेंटर चित्रा का। नेहा देखिए, राजीव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी सरकार के कामकाज पर अब वोटिंग होगी और उस वोटिंग के जरिए कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से यहां पर अपने दर्शकों के सामने हम रख देते हैं। और हमारा सवाल लोगों के बीच जाकर मोदी का काम कैसा है, देखिए बहुत अच्छा मानने वालों की जो तादाद है वो अलग अलग राज्यों में क्या है, ये 3 राज्यों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 25% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कामकाज है, छत्तीसगढ़ में 18% लोग और राजस्थान में 34% लोग। यहां पर यह जानना बेहद जरूरी है, हमने जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, राजस्थान में बीजेपी सत्ता से बाहर होती हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा आंकड़ा मोदी सरकार के अच्छे कामकाज को लेकर सामने आया है वो राजस्थान से, 34% लोग कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जहां पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले की तुलना में सबसे अच्छा प्रदर्शन दोहराने जा रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, वहां पर देखिए 18% ये आंकड़ा है, मोदी सरकार के कामकाज को बहुत अच्छा मानने वाले छत्तीसगढ़ में 18% लोग हैं, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें ये भी राज्य 15 सालों के बावजूद बीजेपी चौथी बार जीतने जा रही है और यहां पर मोदी के कामकाज को लेकर बहुत अच्छा मानने वाले लोगों की तादाद 25% है। वसुंधरा अपनी सरकार हार रही है लेकिन मोदी की लोकप्रियता राजस्थान में बनी हुई है। राजीव जी, इस पर आपकी टिप्पणी। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जैसा गुजरात में हुआ था कि लोकल इश्यूज को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, मुझे करनी है। अगर नहीं, मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी राजीव त्यागी आपके पास जी। अगर राजस्थान में भी इसको मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव बना लिया जाए जी, तो फिर बीजेपी इससे आगे बढ़ सकती है।
बीजेपी इससे भी आगे बढ़ सकती है। राहुल बना मोदी बनाया गया तो बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा होगा, अब तो कांग्रेस को भी इस बात को मान लेना चाहिए इन आंकड़ों को देखते हुए। संजय जी जल्दी से एक टिप्पणी इस पर, उसके बाद नेहा के पास चलेंगे। ये पिछले कई राज्यों में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमने देखा, जब भी अगर मुकाबला मोदी बनाम राहुल होगा बीजेपी को उसका फायदा होता है, और अगर इन तीन राज्यों में भी अगर मामला इस ओर बढ़ा इससे बीजेपी को फायदा होने वाला। कुल मिलाकर नेहा ये कहा जा सकता है जो बड़ी बात निकलकर इस डेटा टेबल से सामने आ रही है कि राहुल गांधी कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जैसे ही उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से होता है वहां पर वो बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं। ये बड़ा नंबर है राजीव जी, क्या आप नहीं मानेंगे इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राउंड जीरो पर उतरना राजस्थान में बीजेपी के लिए गेम पक्ष में पलट सकता है, क्योंकि जनता नाखुश नहीं है मोदी के काम से राजस्थान। देखिए सियासत के सेंसेक्स के सियासत के सेंसेक्स के पहले कार्यक्रम में मैंने स्पष्ट कहा था, नेहा जी और पंडित जी भी थे डिबेट पे, कि हम स्वागत करेंगे मोदी जी चुनाव प्रचार में उतरे तो सही, कारण ये मोदी जी के झूठ की कलाई खुल चुकी है, मोदी जी के प्रपंच की कलाई खुल चुकी है, मोदी जी के झूठ और जुमलों की कलाई खुल चुकी है, उनकी दगाबाजी हवाबाजी कलाबाजी सब दिख चुकी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितनी कांग्रेस निंदा करे, जितने अपशब्द बोले, जितना उनके खिलाफ जो है बयानबाजी कांग्रेस के नेता करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जनादेश। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं आखिरी 10 दिन राजस्थान के लिए रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास, मतलब 26 तारीख से लेकर 5 दिसंबर 7 को वोटिंग होनी है राजस्थान में। हम जानते हैं 2017 में बनारस को लेकर भी बहुत बातें की जा रही थी राजीव त्यागी जी, वहां पर क्लीन स्वीप हुआ जिस वक्त हमने देखा विधानसभा चुनाव हुआ था। गुजरात में हमने देखा 3 लड़कों की बहुत बात की गई, ताकत थोड़ी कम की बीजेपी की आपने, लेकिन सरकार बनाने से आप लोग रोक नहीं पाए। कर्नाटक में कुछ भी किया लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां आकर बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना दिया, फिर भी आप नहीं मानेंगे इससे राजीव त्यागी जी, आप ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स मायने नहीं रखते। देखिए मैं इसलिए नहीं मानता इस बात को कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झूठ की कलाई खुली है, वादा खिलाफी की कलाई खुली है, महंगाई बिल्कुल भस्मासुर की तरह से हो गई है। आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, दालों की कीमतें, चीनी की कीमतें कहाँ जा रही हैं, तो लोगों को अब सालने लगा है, लोगों को दिक्कत होने लगी है। रही बात गठबंधन की और सब चीज़ों की, हमारा गठबंधन जनता से, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टेलीविजन से, तो गठबंधन में बड़ा अंतर है। देखिए लेकिन मैं कुछ और आंकड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है तस्वीर उतनी साफ नहीं हुई है, अभी जनता के बीच से आंकड़े आए हैं। हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तीनों चुनावी राज्यों में कितनी है, और ऐसे ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता तीनों चुनावी राज्यों में कितनी है। 2-1 अभी चल रहा है, यानी 2 राज्य बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं, 1 कांग्रेस पार्टी के। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगला डेटा आप तक पहुंचा रही है चित्रा। देखिए नेहा, मोदी के कामकाज को लेकर आंकड़ा क्या कहता है ये हमने दर्शकों के सामने रख दिया है, राजीव त्यागी के लिए चिंता की बात बनी हुई है। लेकिन अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर, जो अगला सवाल लोगों के बीच जाकर हमने किया था, मोदी की लोकप्रियता किन राज्यों में कितनी है। तीनों ही राज्यों की बात हम कर रहे हैं, तो चलिए एक एक करके आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं कि मोदी की लोकप्रियता किस राज्य में सबसे ज्यादा है, कहां सबसे कम है। राजस्थान, 52% लोगों ने कहा है कि राजस्थान में मोदी की लोकप्रियता चरम पर है, बनी हुई है, और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में 52% लोग सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं मोदी, वहां पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। जबकि उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात आ जाती है, 48% लोग छत्तीसगढ़ के, जो कि मोदी जी को ज्यादा लोकप्रिय बता रहे हैं किसी अन्य की तुलना में, और वो नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो 39% लोग मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मोदी जी यहां पर लोकप्रिय हैं। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा उस राज्य से सामने आया है जो राज्य बीजेपी हारने जा रही है हमारे आंकड़ों के लिहाज से। राजस्थान, 52% लोगों ने कहा है कि मोदी जी बेहद लोकप्रिय हैं, एक तरफ उनके कामकाज पर मोहर लगाती हुई राजस्थान की जनता, दूसरी तरफ मोदी को बेहद लोकप्रिय भी बनाती हुई। लेकिन इसी का दूसरा पक्ष और स्याह पक्ष यह है नेहा कि यहां पर बीजेपी सत्ता से दूर जाती हुई हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रही है। तो मोदी की लोकप्रियता क्या है, इन आंकड़ों के जरिए ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है। एक तरफ मोदी की लहर अगर हम कहें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, मध्य प्रदेश जहां पर कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी की वापसी हो रही है, 39% लोगों ने वहां पर मोहर लगा ली है। तो अपने आप में नरेंद्र मोदी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो जहां पर जाते हैं वहां पर स्थिति बदल जाती है, और ऐसा ही लग रहा है अब राजस्थान को देखते हुए 52% लोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान में पसंद करते हुए। अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करने से पहले जल्दी से अजय सेतिया जी, ये किस तरह की तस्वीर आ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में राजस्थान में चुनाव पलटने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस के हाथ सत्ता आ रही है, बीजेपी के हाथ से जा रही है, लेकिन पीएम का काम और उनकी पॉपुलैरिटी तीनों चुनावी राज्यों में राजस्थान में सबसे ज्यादा है। देखिए अगर 52% पॉपुलैरिटी है वहां पर मोदी की,
तो ये निश्चित मानिए फिर राजस्थान भी बीजेपी जीतेगी, राजस्थान में फिर बीजेपी के हारने का सवाल नहीं है। नहीं, लेकिन राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि कोई वादा पूरा नहीं किया, हम तो स्वागत करते हैं अब आए मैदान में प्रधानमंत्री मोदी। देखिए गुजरात में जीएसटी और नोटबंदी सबसे बड़ा विषय था, इसके बावजूद जब नरेंद्र मोदी वहां पर उतरे चुनाव मैदान में तो वो बाजी पलट गई, उनका मुद्दा नहीं चल पाया, तो वही स्थिति राजस्थान में होने वाली है। क्या वही स्थिति राजीव त्यागी जी राजस्थान में होगी? क्या पीएम बीजेपी के लिए पलट सकते हैं पासा? तीन विषयों पर बात कहना चाहूंगा। गुजरात के विषय में आपने बात कहने की शुरू की, कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार ने 99 के फेर में भारतीय जनता पार्टी को फंसाया। याद करिए अहमदाबाद से वो सी प्लेन उड़ा था, आज तक नहीं उड़ा। तो लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी जो जगलरी करते हैं, मोदी जी जिस तरह के एक्ट करते हैं और टेलीविजन से प्यार दिखाते हैं, लोग तो बात समझ रहे हैं कि टेलीविजन से रोटी नहीं मिलेगी। पहली बात, दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, पहली बात में ही सी प्लेन उड़ाकर सरकार को राजीव जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो एक जगलरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ऐसा देखिए, नेहा पंजी मैं आप कहे तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, आप जो कहे मैं बोल देता हूँ, फिर जो आप बोल देता हूँ। मध्य प्रदेश के विषय में बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे टिकट बहुत बेहतर है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। और कांग्रेस की स्थिति पे एक शेर पढ़ देता हूँ, सिखा देती है चलना ठोकरे भी राहगीरों को, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। और चित्रा त्रिपाठी जी जो कह रही है ना कि मोदी स्वीप करने जा रहे हैं, तो चित्रा त्रिपाठी जी आपको बता दूं 11 दिसंबर को हम बात करेंगे और एबीपी न्यूज पे बात करेंगे और मैं स्वयं आऊंगा आपके साथ डिबेट करने। राजीव त्यागी जी, हम कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है, आप आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, जनता के आंकड़े आप लोगों के लिए भी सर्वमान्य है, हमारे लिए भी सर्वमान्य है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जनता के आंकड़े देखिए, कितने लोगों का सर्वे पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्या मध्य प्रदेश के गांव में आप गए, क्या किसानों के आंसुओं के बारे में आपने पूछा, क्या नौजवानों की बेरोजगारी के बारे में आपने पूछा, क्या आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में पूछा, क्या आपने मध्य प्रदेश में कुपोषण के बारे में पूछा, क्या आपने महिलाओं के बारे में पूछा, आपने नहीं पूछा होगा। यही तो सवाल है ना कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग वहां पर अपनी जमीन तैयार क्यों नहीं कर पाए। नहीं, नहीं, मैं डाटने में नहीं आता हूं, सुन लीजिए, अब चूंकि आपने शेर सुनाया है तो एक शेर मेरा भी सुन लीजिए। राजीव त्यागी जी, एक शेर मेरा भी सुन लीजिए। हम लोगों को जब बात करें तो अपना टोन और टेनर लो रखना चाहिए। अरे शेर तो सुन लेंगे ना, सुनिए अब मेरी बात, आपको सुना है, हमें टोन और टेनर लो रखना चाहिए बात करते हुए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं बिल्कुल लो होकर बात कर रही हूँ, बात करने का हुनर काम तो आता है मगर, राजीव त्यागी आपके लिए है, बात करने का हुनर काम तो आता है मगर क्या सिर्फ बातों से काम चला करता है? आप कितना भी हल्ला कर लीजिए, जमीन पर अगर अपनी जमीन आपने नहीं तैयार की तो आपका वही हश होगा। राजीव त्यागी जी, ये शेर आपके लिए, ये शेर आपके लिए था, ये शेर आपके लिए था, क्योंकि अगर आंकड़ों पर भी आप बात नहीं करेंगे। और राजीव त्यागी आपके लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में मैं होकर आई, तीनों ही राज्यों में मैं होकर आई, और वहाँ पर जो हाल है लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है। क्या दो करोड़ नौजवान को रोजगार मिला, क्या किसानों को एमएसपी मिला, क्या महंगाई से निजात मिली, क्या महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, प्रादेशिक नेताओं का नाम तक नहीं पता है वहां के युवाओं को, क्या बात करेंगे आप, क्या बात करेंगे राजीव त्यागी आप, वहां पर आपके नेताओं का नाम तक नहीं पता है जो पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ पहली बार जो वोट डालने के लिए युवा वोटर जा रहे हैं, जिसकी नैया पर सवार होकर राहुल गांधी को 2019 में पीएम आप लोग बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरी चिंता से क्या होगा सर, आप हारेंगे आप जीतेंगे, मेरी चिंता से क्या होगा, मुझे चिंता करने की जरूरत आपकी है ना बीजेपी की, राहुल गांधी सच बोलते हैं। ठीक है ठीक है नेहा, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर राजीव जी को शायद ये आंकड़े उसको बचा पाने में वो नाकाम हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जमीनी हकीकत जो हम बता रहे हैं वो कुछ और है और आसमान में उड़ते हुए नेताओं की हकीकत कुछ और है। नेहा चिंता करना बंद कर दीजिए प्लीज। सर मैं वैसे भी चिंता नहीं कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे और भी काम है। नेहा एक मिनट, मैं जरा तस्वीर को परिपेक्ष में रख दूं। राजीव त्यागी जी देखिए बड़ी तस्वीर, और ये बात कर रही हैं आप, राजीव त्यागी जी देखिए ये ओपिनियन पोल है, फाइनल पोल, फाइनल फैसला जनता का है, जो भी है जैसा भी है हम आंकड़े पेश कर रहे हैं, आप लोग मतभेद रख सकते हैं अपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल तस्वीर है। एक सवाल मैं और जानना चाहूंगी, और जो बात आपने कही थी, मुझे ऐतराज इस बात पे कि आप बीच में बोल देते हैं, जब मैं रिदम पे आता हूँ आप बीच में बोल देते हैं, जैसे आप बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहे राजीव जी, नहीं है मुझे आंकड़ों से कोई परेशानी, अब आप बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहे राजीव जी, नहीं आप बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहे हैं, आपने हमारा गठबंधन जनता से है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टेलीविजन से है, राजीव त्यागी जी टेलीविजन के एंकर्स के साथ है। राजीव त्यागी जी आपके रिदम को थोड़ी और गति देती हूं मैं, कैसे? अगला सवाल, राहुल गांधी की लोकप्रियता तीनों चुनावी राज्यों में, चित्रा
वैसे नेहा, राजीव त्यागी जी के रिदम से कहीं ज्यादा जरूरी है राहुल गांधी का रिदम कैसा है इन चुनावी राज्यों में, तो आइए लोकप्रियता की हम बात कर लेते हैं और आंकड़े वो जल्दी से सामने रखते हैं राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर तीनों ही राज्यों में हमने सवाल पूछा है राजीव त्यागी जिस पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब राहुल गांधी की लोकप्रियता का पैमाना भी इन आंकड़ों के जरिए हम जान लेते हैं। ये देखिए आंकड़े आपके सामने है, मध्य प्रदेश में 33% लोग राहुल गांधी को लोकप्रिय मान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 28% लोग, राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री को 52% लोग लोकप्रिय मान रहे हैं वहां पर 18%, तो कुल मिलाकर इन तीनों ही राज्यों में एक राज्य भी ऐसा नहीं है जहां पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हो, वो भी तब जब पूरा दमखम उनकी ओर से लगाया गया है, वो भी तब जब इन तीनों ही चुनावी राज्यों का ताबड़तोड़ वो दौरा कर रहे हैं, वो भी तब जब लगातार राफेल, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, महिलाएं और जैसा कि राजीव त्यागी कुपोषण का जिक्र कर रहे थे वो मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन तीनों ही राज्यों में है। मध्य प्रदेश में देखिए 33% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं जबकि मोदी की लोकप्रियता यहां पर 39% थी। बात करें छत्तीसगढ़ की, 28% लोग यहां पर राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, 48% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी। राजस्थान की बात करें यहां पर तो राहुल गांधी का आंकड़ा सबसे ज्यादा कम 18% जबकि प्रधानमंत्री को पसंद करने वालों की तादाद 52% थी। तो कुल मिलाकर राजस्थान अगर जीत भी रही है कांग्रेस पार्टी ने यहां, तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता नहीं बल्कि वहां के प्रादेशिक नेताओं के कामकाज की वजह से जनता मोहर लगाती हुई हमारे इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नेहा, राजीव त्यागी जी, पहले मैं आपका कमेंट इस पर लेना चाहूंगी, फिर प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी। राजीव त्यागी जी, अगर राजस्थान में मुकाबला मोदी बनाम राहुल हो गया तब क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि एक तरफ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी 52% है राजस्थान में, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी सर्वे से 18% निकल कर आ रही है। देखिए मोदी जी, जहां तक मैं समझता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके आए थे सन 2014 के चुनाव में, और जितने भी लोकसभा के उपचुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव का मतलब आप समझते ही होंगे कि लोकसभा का मतलब प्रधानमंत्री से संबंधित होता है या विपक्ष से संबंधित होता है, सारे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। अभी मध्य आपके कर्नाटका में भी तीन सीट थी, उसमें दो हम जीते और एक भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि मोदी जी की कलाई खुल चुकी है, जिस तरह से प्याज को आप छीलते चले जाते हैं, लास्ट में कुछ नहीं बचता, इस तरह से मोदी जी भी प्याज की तरह से और प्याज की तरह से लास्ट में जनता के हाथ में कुछ नहीं रह गया। प्याज का उदाहरण देते हुए राजीव त्यागी अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उपचुनाव में कलाई खुली, यही राज्यसभा के जो चुनाव है, राज्यों के चुनाव, उनमें भी होगा। जी नहीं, राज्यों के चुनाव में आपने लगातार देखा है कि 2014 में कांग्रेस के पास कितने राज्य थे और भारतीय जनता पार्टी के पास कितने राज्य थे, जितने भी चुनाव हुए हर बार कांग्रेस हारी, और हर बार मुझे लगता है राजीव त्यागी जी चुनाव के पहले इसी तरह से दर भरते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम के वो अपशब्द बोलते हुए भाग खड़े होते हैं राजीव त्यागी जी। जब फिर एक बार हम लोग जब चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन हम लोग फिर बैठेंगे और चित्रा और नेहा की सारी बातें सत्य साबित होंगी, सिर्फ राजस्थान को छोड़ के, राजस्थान में जब हम फिर चुनाव जीतेंगे उस समय आप ईवीएम को बहुत सारी गालियां देंगे। तो एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज सीएसडीएस का तीन चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अभी आपने हमारी अब तक की चर्चा में देखा, हमारे जो एक्सपर्ट हैं अजय सेतिया राजस्थान के, उन्होंने कहा कि अगर 52% मोदी की पॉपुलैरिटी है, 18% राहुल गांधी की, तो बीजेपी ये राज्य जीत भी सकती है राजस्थान का। क्या वाकई में ये संभव है? इसके पीछे का जो एनालिसिस है और एक बेहद अहम डेटा, आइए वो आपके सामने रखते हैं। चित्रा के पास चलते हैं डेटा सेंटर। बिल्कुल नेहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, चूंकि 52% लोग राजस्थान के अगर प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे हैं तो वो कौन कौन से इलाके हैं राजस्थान के, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में जाकर अपने दर्शकों के सामने एक बड़ी तस्वीर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मोदी अगर ज्यादा जोर लगा देते हैं तो फिर बीजेपी को हो जाएगा फायदा। देखिए नॉर्थ बीकानेर, जहां पर कांग्रेस पार्टी बाजी मान रही है बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी 35%, कांग्रेस 42%। वेस्ट जोधपुर का इलाका 42% पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 47% पर, और सेंट्रल जयपुर 38% कांग्रेस जबकि 41% बीजेपी। ये हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है या खराब प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें नॉर्थ बीकानेर, वेस्ट जोधपुर और हरौती जो कि झालावाड़ का इलाका है, यहां पर
कांग्रेस अच्छा कर रही है बीजेपी के मुकाबले, और यहां पर नरेंद्र मोदी अगर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के पास, अगर वो वहां पर चले जाते हैं तो फिर तस्वीर बदल सकती है और बीजेपी को राजस्थान में भी हो सकता है फायदा। जैसा कि आंकड़ों में हम दिखा रहे हैं नेहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाती हुई, कांग्रेस पार्टी वापस आती हुई, लेकिन तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नरेंद्र मोदी का फैक्टर अभी चला, और अभी तो 10 दिन बाकी हैं मोदी के प्रचार प्रसार में, वो जाकर अगर थोड़ा भी जोर लगा देते हैं तो तस्वीर उलट हो सकती है राजस्थान की भी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मोदी एक ऐसा ट्रंप कार्ड है, एक ऐसे जादूगर है बीजेपी के पास, जो जहां पर जाते हैं माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में हो जाता है। कर्नाटक, पूर्वांचल और गुजरात में यह स्थिति हम देख चुके हैं। नेहा, तो देखिए बड़ी तस्वीर यह है कि राजस्थान में तीन ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस आगे है और तीन ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी आगे है। जहां बीजेपी पीछे है और कांग्रेस आगे है, उन तीन इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि वहीं पर दमखम टेस्ट किया जाएगा और उसकी जरूरत भी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नॉर्थ बीकानेर, यहां पर कांग्रेस 42%, आप लोग 35 पर हैं। वेस्ट जोधपुर, जो बीकानेर का इलाका है वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का इलाका है, वहां आप लोग पीछे हैं। जोधपुर का जो इलाका है वेस्ट का, वो गहलोत और मानवेंद्र जसवंत सिंह के बेटे जो छोड़कर के अब कांग्रेस में गए हैं, वहां आप लोग पीछे हैं। और झालावाड़, खुद मुख्यमंत्री का जो इलाका है, वहां भी आप लोग काफी पीछे चल रहे हैं। ये जो राजस्थान में तीन इलाकों में सबसे कमजोर कड़ी है बीजेपी की, क्या पीएम इसको मजबूती में बदल पाएंगे? प्रेम शुक्ला जी, निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे कार्यकर्ता जी भी सब परिश्रम की पराकाष्ठा करके, देखिए ओपिनियन पोल्स जब होते हैं तो ओपिनियन पोल्स में जब कांग्रेस के लोग बैठते हैं तो वो ओपिनियन पोल लेने वालों को उनके प्रति जो है अविश्वास प्रकट करते हैं, और हम जो है ओपिनियन पोल को चुनौती के तौर पर लेते हैं, और जहां पर हमारी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को हम कैसे प्रबलता में तब्दील कर सकते हैं उस पर काम करते हैं। तो इसी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी व्यूभन ढंग से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का तो एक जबरदस्त समन्वय है ना, कि जो हरौती का राजस्थान क्षेत्र है जिसमें झालावाड़ आता है, जो कि रानी यानी कि वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, हर चुनाव को चुनौती के तौर पर लेते हैं। और हमारी जो कमजोरी है, सवाल ये था कि वसुंधरा राजे के अपने क्षेत्र में आप लोगों को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस 59% बीजेपी 35%, यानी क्या ये मान के चला जाए कि राजस्थान में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा और आखिरी सहारा प्रधानमंत्री मोदी ही है, ये तो मानेंगे आप? देखिए हमारी पार्टी के लिए सारथ्य का काम आदरणीय मोदी जी करते हैं, हमारे पास हमारा भाग्य है कि हमारे पास जो है पारस्परिक करने स्पर्श करने वाला उम्दा नेतृत्व है। दूसरी तरफ ऐसी स्थिति है, जैसा पांव पड़े राहुल के तांता बंटाधार, पंजाब में राहुल गांधी को अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया आप यहां मत आइए नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये तो हमारा सौभाग्य है ना कि हमारा नेता इतना प्रबल है, इतना कुशल है, इतना लोकप्रिय है कि उसके कारण हमको चुनाव जीतने का अवसर मिलता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसे जीत रहे पहुंच जाए हार जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ऐसा है कि जहां वो आते हैं हारती हुई बीजेपी जीत जाती है। राजीव त्यागी जी, देखिए एबीपी न्यूज ने पंजाब चुनाव भी कवर किया था, उसमें भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिखाया था, आज भी दिखा रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री के। अगर सारे एपिसोड मध्य प्रदेश के बारे में आप देख लें तो पता चल जाएगा कि जनता का रुख क्या है। मैं एबीपी न्यूज की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी निश्चित रूप से चुनाव प्रचार में इस बार 21 साबित होने जा रहे हैं। तीसरी बात, ईवीएम का जिक्र मेरे मित्र ने किया था, हम अब कर्नाटका में चुनाव जीते हैं लेकिन उसके बाद भी मैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह ये लगाता हूं कि जिस व्यवस्था पर लोकतंत्र में प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएं उस व्यवस्था में निश्चित रूप से बदलाव होने चाहिए। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, मेरे मित्र को पंजाब भी याद रहना चाहिए, बिहार भी याद रहना चाहिए, दिल्ली भी याद रहना चाहिए, गोवा भी याद रहना चाहिए, मिजोरम भी याद रहना चाहिए। और लास्ट में एक शेर पढ़ देता हूं, एक इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में हर लेता है, गुफ्तार का काजी बन न सका, गुफ्तार जो है ना मन की बातों से पेट नहीं भरता है साहब, अब तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को रोजगार चाहिए, बेहतर काम चाहिए, बेहतर व्यवस्था चाहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा था, एक मिनट राजकिशोर, मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूं, ये तीन इलाके अभी क्या स्थिति है कि अगर छह क्षेत्रों में आपने राजस्थान को अगर बांट रखा है तो सेंट्रल मत्स्य और साउथ में बीजेपी आगे, जबकि नॉर्थ वेस्ट और हरौती जो कि खुद वसुंधरा जी का इलाका है वहां पर पीछे है बीजेपी। जहां पीछे है बीजेपी, क्या वहां पीएम मोदी जोर लगाकर बीजेपी को रेस में ला सकते हैं? क्योंकि आज की स्थिति में तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान लेकर जा रही है अपने खाते में, क्या बदल सकते हैं पीएम मोदी से?
देखिए नेहा, कम से कम गुजरात का तो अनुभव ऐसा है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी ये करने में कामयाब रहे हैं, और राजस्थान में जिस तरीके की लोकप्रियता है वहाँ पर, और तीन क्षेत्रों में बीजेपी का आगे होना, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो करता है कि सब कुछ पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में नहीं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मतों का इतना अंतर था पहले से, उसमें उन्होंने काफ़ी आगे तक जाके 12% तक आगे गए हैं, लेकिन शायद ये पर्याप्त ना हो तो ये बहुत ज़रूरी होगा। बस एक उम्मीद उनके सामने बसती है कि जिस तरीके से पंजाब में राहुल गांधी की लोकप्रियता कम होने के बावजूद वहां पर स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय विषयों पर नतीजे आ गए, तो राजस्थान में अगर नतीजे आएंगे तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ इतनी ज्यादा सत्ता विरोधी लहर हो कि उसको कैसे मोदी भर पाए, ये बड़ी चुनौती है। अजय सीते जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जल्दी से राजीव त्यागी जी, जो बात राजकिशोर ने कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। स्थानीय नेतृत्व की ताकत, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष अपनी ताकत ना समझे, फिर राजस्थान आप लोग निकाल लेंगे और कंफर्टेबली निकाल लेंगे, ऐसी संभावना भी बन सकती है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी को सभी नेताओं को निकाल देना चाहिए, अपने मोदी जी को सब जगह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रखना चाहिए। संगठन में एक एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस होती है, ब्लॉक के कार्यकर्ता से बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के। आप तो अशोक गहलोत जी का जो अपमान कर रहे हो भी भारी पड़ेगा, उपयोगिता है, कृपया इस बात को समझिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत इस पर पंडित जी आप बीच में बोल करके अपनी गरिमा का हनन कर रहे हैं, मेरी गरिमा का हनन नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह के जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 130 प्लस सीट रहेगी, राजस्थान में 140 प्लस सीट रहेंगी कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी हम बहुमत में आएंगे, बहुमत में की बात कर रहा हूँ, बहुमत की बात। और लास्ट में एक बात कह देता हूँ, आपने नेहा जी कहा था कि आप आपस में लड़ ले राजनीतिक लोग बाग, मैं लड़ता नहीं हूँ किसी से भी, मैं अन्याय का प्रतिकार करता हूँ। यदि आप दोबारा अन्याय करेंगे फिर प्रतिकार। ठीक है, एक मिनट, मैं जल्दी से अजय सीता जी आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बात अभी राजीव त्यागी जी ने कही, मुझे पता है मैं सवाल पूछूंगी तो घुमाते रहेंगे, इसलिए सीधे आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान में क्या हो रहा है? एक तरफ अशोक गहलोत, एक तरफ सचिन पायलट, जो रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये है कि जनमानस और कार्यकर्ता के बीच आप अशोक गहलोत का नाम ले तो वो कहते हैं सीएम बने। सचिन पायलट के लिए कहा जाता है कि उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आगे करना चाहता है। क्या इस तरह की स्थिति कांग्रेस में राजस्थान में है और क्या यह भारी पड़ेगी? पंजाब का जिक्र राजकिशोर जी ने किया, पंजाब में कांग्रेस की जीत का एक कारण ये था कि वहाँ उनके पास एक नेता था, और राजस्थान में हार का कारण ये हो सकता है कि उनके पास कई नेता हैं। अभी तो पायलट और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम था, अभी जोशी का नाम भी सामने आ गया है, तो तीन की लड़ाई में मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती हुई पहले दिखाई दे रही थी, अब हारती हुई दिखाई दे रही है, वो उनके मल्टीपल लीडरशिप के कारण है। और यही स्थिति राजस्थान में लेने का मतलब यही था कि ये बताया जा सके कि ये टिकट वितरण से पहले का सर्वे है, टिकट वितरण, अलग अलग खेमे, कद्दावर नेता, और उसका किस तरह का चुनाव और जनमानस पर असर पड़ेगा वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। मुझे माफ कीजिएगा, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन बड़ी तस्वीर एबीपी न्यूज और सीएसडीएस के सर्वे में फाइनल ओपिनियन पोल तीनों राज्यों का 2-1, यानी कि दो राज्य बीजेपी के पक्ष में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार ले जाती नजर आ रही है। और हमने आज इस बात पर भी चर्चा की कि बीजेपी की तरफ से उनके ब्रह्मास्त्र ट्रंप कार्ड अगर प्रधानमंत्री मोदी मैदान में आते हैं तो क्या ये तस्वीर बदलेगी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे तीनों चुनावी राज्यों का सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल। एबीपी न्यूज पर फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।